हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आईपीएल के एक और महामुकाबले मैच में जो खेला जाएगा हैदराबाद वर्सेस चेन्नई के बीच में, भाई ये जो मैच होने वाला है ना बहुत ही घमासान मैच होने वाला है। और यकीन मानिए इसमें आप अच्छा प्रॉफिट करके जाएंगे अगर आप मेरे टैक्टिक्स से अगर आप टीम बनाते हैं तो। ठीक है ना भाई, इस वीडियो में आपको कवर करके देने वाले हैं कि आप आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बनाना है। और भैया देखो, आपको ऐसा टीम बनाना है जैसे कि आप अच्छा कवर करके जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको, यहाँ पे देखिए आज का जो मैच होने वाला है उसमें 3 नंबर तक आपको 4 करोड़, 1 करोड़ और भैया 1 करोड़, मतलब देख रहे हैं यहाँ पे आप 4 करोड़ 1 नंबर वाले को। तो भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, बस वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहना है भाई। आज के मैच में अगर आपको इतना जीतना है ना भाई तो ये वीडियो को अच्छे से कवर करो। और भाई हम आपको स्पेशल पंटर के बारे में बताएंगे, स्पेशल पंटर के बारे में। उस पंटर को अपने टीम में यूज करते हो ना भाई तो यकीन मानिए आप अच्छा प्रॉफिट यहाँ से करके जाने वाले। ठीक है, हम आपको यहाँ पर CBC रोटेशन प्लस आपको पंटर खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं, पिच रिपोर्ट, स्टेट्स रिपोर्ट, जितने भी अपडेट होगी सब हम आपको बताएंगे। और साथ में आपको यहाँ पर लाइव टीम भी देने वाले हैं हम। ठीक है ना भाई, तो वीडियो को अच्छे से वॉच करते रहो। देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर पंटर खिलाड़ी के बारे में जानकारी चाहिए या जो भी यूनिक जानकारी होती है वो हम आपको टेलीग्राम पर देते हैं। ठीक है ना, तो आप हमें टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। भाई लोग आओ टेलीग्राम पर यार, देखो वहाँ पर जो हम आपको टीम देते हैं, पंटर देते हैं, ऐसा लॉजिकल पंटर देते हैं जो आपके लिए काम आता है। देखो भाई, यहां पर हम आपको पंटर के बारे में बता दें, केन विलियमसन। आज के मैच में जो मैच हुआ भाई GT और पंजाब के बीच में, एक तरफा GT जीत रही थी, ठीक है ना, गुजरात, लेकिन लास्ट टू लास्ट में ऐसा हुआ जो पंटर सब चला ना भैया इसका पंजाब का, मैच को पलट के रख दिया और जीत लिया। ठीक है ना, तो देखो ये सब के बारे में आपको कौन बताएगा भैया, केन विलियमसन, मात्र 37% सिलेक्शन हमने आपको अपनी टीम में दिया। ठीक है, पी सिंह, कौन बोलेगा भाई इसको लेकर चलने के लिए, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये सब खिलाड़ी को लेकर चलना है। ठीक है, 5 पंटर दिए, 5 पंटर आपको हर रोज हम 5 पंटर देते हैं, जिसमें से 3-4 पंटर तो कन्फर्म चलता ही चलता है। जैसे देख लो यहाँ पर नूर अहमद, भाई कौन देगा आपको बताओ, यहाँ पे कौन देगा, कोई नहीं देगा भाई ऐसा खिलाड़ी के बारे में आपको बताएगा। एच बराड़, इसको हम आपको टीम में बोले लेकर चलने के लिए और विकेट निकाल लिए भाई, नूर अहमद 2 विकेट निकाल लिए। पी सिंह, अच्छा यहाँ पर आपको ड्रीम टीम दे गए, ड्रीम टीम देकर गए हैं। तो भाई टेलीग्राम पे आ जाओ यार, यहाँ पे आपको एकदम परफेक्ट टीम देते हैं भाई, पंटर का लॉजिक समझाते हैं और यकीन मानिए आप लोग अच्छा प्रॉफिट करते हैं यहाँ पे। जो भी यहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं अच्छा प्रॉफिट करके जा रहे हैं, तो आप लोग भी आ जाइए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आज के मैच का। तो मैच जो होगा भाई ये बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है। ठीक है ना, बहुत लाजवाब मैच होने वाला है। इसमें हम आपको CBC रोटेशन बताएंगे, कौन से खिलाड़ी फॉल्स होंगे आज के बारे में, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। चलिए सबसे पहले बात कर ले आज के मैच में, आप अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन किसे बना सकते हैं आज के मैच में। ठीक है ना, उस खिलाड़ी को अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप चाहे तो अगर 2 टीम यूज करते हैं तो 2 टीम यूज कर सकते हैं, या फिर 4 टीम यूज करते हैं तो 4 टीम के लिए, या फिर 3 टीम यूज करते हैं 3 टीम के लिए आपको बता सकते हैं। ठीक है ना भाई, देखो हैंडे क्लासन को आप आंख बंद करके आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन ठोक देना। ठीक है, ए शर्मा, और यहां पर देखो रशिंद्र रविंद, इसको अपने टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। ठीक है, शिवम दुबे, इसे अपने टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन आज के मैच में आंख बंद करके ठोक सकते हो, ये 2 टीम के लिए। ठीक है भाई, तीसरे टीम में क्या करना है आपको, तीसरा टीम अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए पर आपको क्या करना है, यहां पर आना है और देख लो भाई आज के मैच में जो खतरनाक होने वाले हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए वो ये होने वाले हैं। ठीक है ना, एडम मार्करम और टी हेर। ठीक है ना भाई, देख लो कैप्टन, आपको क्या करना है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए टीम 1 में आप यहां पर ए शर्मा को, ठीक है, और रचिंद्र रविंद को, इसे अपने टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन आंख बंद करके ठोक दीजिएगा भैया। ठीक है, दूसरी टीम में आपको क्या करना है, हैंडी क्लासेन और शिवम दुबे, इस दोनों को अपने टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन ठोक दीजिएगा। तीसरे टीम में आपको क्या करना है, टी हेड और एडम मार्करम, इसको अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन आंख बंद करे ठोक लो भाई, यकीन मानो आपको अच्छा प्रॉफिट करा करके देने वाला है ये सभी खिलाड़ी आज के लिए टॉप कैप्टन वाइस कैप्टन होने वाले हैं। ठीक है ना, इनका सिलेक्शन कम रहेगा कैप्टन के लिए, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसे अपनी टीम में कैप्टन बनाइएगा। ठीक है ना भाई, तो ये सभी खिलाड़ी आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सटीक है। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच में जो फिक्स खिलाड़ी होते हैं उसे अपनी टीम में कैसे इस्तेमाल करना है और कौन से खिलाड़ी होंगे जो आज के मैच में आपके लिए फिक्स होने वाले हैं भैया, उस खिलाड़ी को अपनी टीम में रख लेना फिक्स के तौर पर। ठीक है, तो यहां पर हम आपको बता दें फिक्स खिलाड़ी के बारे में। देखो ए शर्मा आपको अपने टीम में फिक्स कर लेना है, हैंडी क्लासेन और एडम मार्करम। ठीक है भाई, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से देखेंगे 3 खिलाड़ी आपको यहां पर फिक्स हो गए, और इधर से देखेंगे चेन्नई की तरफ से एम पथिराना, शिवम दुबे और मुस्तफिजुर रहमान, ये खिलाड़ी आपके लिए फिक्स होने वाले हैं। यहां पर आप एक खिलाड़ी को ड्रॉप करके 5 खिलाड़ी के साथ जा सकते हैं। अब देखो हमने जो कैप्टन बारे में आपको बताया भैया, यहां पर देख लो इसी में से आप कैप्टन भी चूज कर सकते हैं जो कि आपके लिए फिक्स खिलाड़ी होने वाले हैं। ठीक है ना, तो ये सभी खिलाड़ी
आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर ले दोनों के बीच में हेड टू हेड, तो भैया टोटल मैच जो है वो 9 मैच हुई है, जिसमें से चेन्नई 6 दफ़ा जीती हुई है और 3 दफ़ा जो है वो हैदराबाद जीती हुई है। लेकिन इस बार IPL का जो टीम है हैदराबाद का, ताबड़तौर प्लेयर सब है भाई, बहुत ही खतरनाक स्कोर 278 स्कोर, समझ रहे हैं IPL में रिकॉर्ड कायम कर दिया भाई हैदराबाद वाले ने। तो मतलब समझ रहे हैं कि इस बार जो टीम होने वाली है ना वो काफ़ी भारी पड़ने वाली है चेन्नई पर। तो यहाँ पर अपने हिसाब से भी टीम बनाएंगे, आज हैदराबाद के भी पक्ष में टीम बनाएंगे। देखो मैच खेला जाएगा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में, ठीक है ना, हैदराबाद में मैच खेला जाएगा। बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाला है, पेसर के लिए काम करने वाला है, एवरेज स्कोर 192, ये स्कोर 200 पार भी जा सकता है आज के मैच में, ठीक है ना भाई। यहाँ पर टोटल मैच टोटल विकेट जो है 10 गिरे हुए हैं, जिसमें से पेसर को 6 मिली हुई है और 4 जो है वो मिला हुआ है स्पिनर को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच में जो कुछ खिलाड़ी फॉल्स जा सकते हैं, वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो आज के मैच में उसे आप फॉल्स के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है ना। जो बड़े खिलाड़ी है, नामी गिरामी खिलाड़ी है, उसे हम आपको बता दें कुछ खिलाड़ी आपको यहाँ पर फॉल्स जा सकते हैं और उस खिलाड़ी को अपनी टीम में चाहे तो ड्रॉप करके भी जा सकते हैं और कुछ खिलाड़ी को अपने टीम में आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कुछ खिलाड़ी के बारे में। तो टोटल यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे 4 देख लें या फिर हम आपको दूसरे तरफ से भी देखा जाए जो आपके लिए आप समझेंगे कि हाँ ये खिलाड़ी फॉल जा सकते हैं आज के मैच में, उसके बारे में भी हम बता दें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम आपको बता दें कुछ खिलाड़ी जो फॉल जाने वाले हैं वो ये रहने वाले हैं, जो 3 ही खिलाड़ी हम आपको बताए थे जो आज के मैच में फॉल जा सकते हैं, ठीक है ना। देखो 3 खिलाड़ी में से ऋतुराज गायकवाड़ आज के मैच में फॉल जा सकते हैं भैया, या फिर रविंद्र जडेजा को अपनी टीम में ड्रॉप कर दो, डैरी मिचेल को भी आप तो अपने टीम में ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन सभी को अपने टीम में ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है ना। एक टीम में आप ड्रॉप करेंगे तो दूसरे और तीसरे टीम में लेकर के चलेंगे, हमने जो दूसरा और तीसरा टीम बनाया है उसमें से कॉम्बिनेशन आप बना लेंगे और फिर अगर इसको आप दूसरे टीम में ड्रॉप करते हैं तो तीसरे टीम में अपनी टीम में लेकर चलिएगा, टीम वन में लेकर चलिएगा। डैरी मिचेल को एक ही टीम में ड्रॉप कीजिएगा, तीसरे टीम में, टीम वन और टीम टू में अपनी टीम में लेकर चलिएगा, ठीक है ना भाई। तो ये खिलाड़ी आपके लिए फॉल जा सकते हैं, लेकिन अपने टीम में कॉम्बिनेशन के हिसाब से इसे यूज करना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आज के मैच में जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे पंटर खिलाड़ी, वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो आपके लिए पंटर साबित होने वाले हैं, उस खिलाड़ी को अपनी टीम में इस्तेमाल करना है, ठीक है ना, एज अ पंटर के तौर पर। हमेशा हम आपको बोलते हैं कि भैया अपनी टीम में पंटर खोल लो, पंटर खिलाड़ी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और वो जो खिलाड़ी है ना वही खिलाड़ी आपको दिलाते हैं जो रैंक वन होता है, फिर यहाँ पर रैंक टू देखेंगे वो सब खिलाड़ी आपको दिलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ खिलाड़ी के बारे में बता देते हैं, भैया उसको अपनी टीम में ले लेना एज अ पंटर के तौर पर आज के मैच में और यकीन मानो वो खिलाड़ी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। देखो 5 खिलाड़ी हम आपको बता दें पंटर आज के मैच में होने वाले हैं, ए रहाने, ठीक है, ए रहाने को अपने टीम में ड्रॉप मत करना भाई लोग, आज के लिए आज आपको पंटर तौर पर इस्तेमाल करने वाले हैं और अच्छा पॉइंट देकर जाने वाले हैं, एज अ पंटर के तौर पर अच्छा पॉइंट कवर करके जाने वाले ये खिलाड़ी। दूसरी तरफ आपको क्या करना है, एस अहमद को भैया इसे अपने टीम में लेकर चलिएगा, बहुत लोग इसे इग्नोर करेंगे लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है भाई, आपको इग्नोर नहीं करना है, यकीन मानिए आपको अच्छा प्रॉफिट करा के ये खिलाड़ी देने वाला है, ठीक है ना। दूसरी तरफ आपको क्या करना है, दीपक चहार, इसको अपनी टीम में लीजिएगा, 1 से 2 विकेट इसे निकाल कर देने वाले हैं आपको और DT लगा कर देने वाले, मतलब ड्रीम टीम। एम मार्कंडे को अपनी टीम में इस्तेमाल कीजिएगा और जयदेव युधानकट को अपनी टीम में इस्तेमाल कीजिएगा, ये सभी खिलाड़ी आपको यहाँ पर जो है ना पंटर के तौर पर काम आने वाले हैं। पंटर भैया, पंटर खिलाड़ी जो होते हैं ना वो आपकी टीम को बहुत रैंक को बढ़ाते हैं, आपको टॉप 10 में लाने का चांस ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। हाइएस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी के साथ हमेशा नहीं भागना है भाई, हाइएस्ट सिलेक्शन वाले खिलाड़ी के साथ मत भागिए, ठीक है ना। लोवेस्ट सिलेक्शन वाली के साथ जाइए, वो आपको रैंक को मेंटेन करके भी ऊपर लेके जाएंगे और अच्छा प्रॉफिट कराकर देने वाले हैं। तो ये सभी खिलाड़ी आज के मैच में हो गए हैं, तो आपको क्या करना है, टीम वन में ए रहाने को, एस अहमद को और दीपक चार को अपनी टीम में इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। टीम टू में आपको क्या करना है, यहाँ पर एम मार्केंडो इंक्लूड करना है और टीम थ्री में एक खिलाड़ी को और इस्तेमाल करना है, जयदेव उनादकट को, ठीक है ना, इसे अपनी टीम में इस्तेमाल कीजिएगा, ये सभी खिलाड़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं जो आज आपको टीम कैसे बनाना है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम आपको 2 टीम देने वाले हैं और दोनों टीम में से आपको थोड़ा बहुत चेंज करके भी आप जा सकते हैं, लेकिन जो हम अभी फिलहाल हमने टीम बना के रखा हुआ है वो देखेंगे। हमने यहाँ पर 5-6 का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें से विकेट कीपर में हैंडे क्लासन मेरे टीम में होने वाले हैं, मतलब एक विकेट कीपर हम यहाँ पर लेके चले हैं। बैटर में देखेंगे तो 5 बैटर लेके चले हुए, जिसमें से टी हेड, शिवम दुबे, रचिंद्र रविंद्र और ए शर्मा और ऋतुराज गायकवाड़ मेरे टीम में होने वाले हैं। इसमें हमने कैप्टन ए शर्मा को और टी हेड को वाइस कैप्टन
कैप्टन के तौर पर इस्तेमाल किया है। ऑलराउंडर में दो ऑलराउंडर है, डैरी मिचेल और एस अहमदम ने इसे एज अ पंटर तौर पर इस्तेमाल किया है। ठीक है, दीपक चौहर को मैंने एज अ पंटर तौर पर इस्तेमाल किया है। ऋतुराज गायकवाड़ को हम चाहे तो एक टीम में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, दूसरे टीम में हम यहाँ पर उसे अपने टीम में शामिल करेंगे। पैट कमिंग्स मेरे टीम में है और मुस्तफिजुर रहमान मेरे टीम में, मतलब तीन खिलाड़ी का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है एज अ बॉलर में देखेंगे। ठीक है ना, बॉलर में तीन खिलाड़ी, कैप्टन में ए शर्मा और टी हैविड मेरी टीम में है। आप देखो यहाँ पर आप चाहे तो कैप्टन रोटेट भी कर सकते हो, इनकी तरफ जा सकते हो, ठीक है ना, रचिन रविंद्र की तरफ या फिर शिवम दुबे की तरफ भी जा सकते हैं। ये खिलाड़ी भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं आज के मैच में, कैप्टन के लिए, वाइस कैप्टन के लिए। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं दूसरे टीम। तो दूसरे टीम में हम यहाँ पर देख लेते हैं, टीम टू में देखेंगे तो हमने यहाँ पर फिर से 5-6 का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है जिसमें हैंडी क्लासन मेरे टीम में होने वाले हैं। बैटर में 4 बैटर का इस्तेमाल किया है, ए रहा ने, शिवम दुबे, रवि यहाँ देखेंगे रचिन रविंद्र और ए शर्मा मेरे टीम में होने वाले हैं, यहाँ जिसमें से हमने एज अ पंटर पर इस्तेमाल किया है ए रहाने को। ठीक है, ऑलराउंडर में तीन खिलाड़ी हैं मेरे टीम में, एडम मार्करम, डैरी मिचेल और एस अहमद, हमने इसे पंटर पर इस्तेमाल किया है। पैट कमिंग्स, टी देशपांडे और एम पथिराना मेरे टीम में होने वाले हैं। यहाँ पर एक खिलाड़ी को हम ड्रॉप कर भी चल सकते हैं, दूसरे खिलाड़ी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है ना भाई, तो इस तरह से आपको रोटेट करना है। फिलहाल हमने कैप्टन यहाँ पर रचिन रविंद्र को बनाया है और शिवम दुबे को वाइस कैप्टन बनाया है। तो भाई तो दोस्तों ये फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर देंगे, आप हमें टेलीग्राम पर जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए। हम पंटर देते हैं आपको, जितनी भी जानकारी होती है सब कुछ देते हैं, और जीएल का टीम भी देते हैं, बस आप एक दो चेंज करके अच्छा प्रॉफिट यहाँ से करके जाने वाले हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।